पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि सोमवार यानी 22 जनवरी 2024। ये तारीख नोट कर लीजिए, ये वही तारीख है जब श्री राम लला की श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाओ, जनु नगर रम्य चहूं फेर। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा पल है और ये भारत की राजनीति में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तीन राज्यों में और खासकर हिंदी पट्टी के इलाके में बीजेपी की धुआंधार शानदार विजय के बाद मोदी के ब्रांड और हिंदुत्व के विचारधारा के विजय पताका पूरे भारत में जोर शोर से लहरा रही है और बीजेपी के लिए इस सकारात्मक माहौल के बीच में श्री राम मंदिर निर्माण के पूरा होने और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी भी नजदीक आ रही है। बीजेपी खुद को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत की हकदार मानती है। आडवाणी की रथ यात्रा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राम जन्मभूमि के शिलान्यास तक और श्री राम मंदिर आंदोलन के दौर में आडवाणी के राम रथ के सारथी से लेकर अयोध्या के नवनिर्माण और राम मंदिर में हुई पहली आरती तक प्रधानमंत्री मोदी का रोल पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है विपक्ष के उन बड़े बड़े नेताओं के सामने जिनको तय करना है कि वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आएंगे या नहीं। क्या विपक्ष के नेताओं को श्री राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला? श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर विपक्ष में राजनीतिक असमंजस बना रहेगा या विपक्षी नेता कोई फैसला लेंगे? वैसे भगवान श्री राम के मंदिर में जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। बिना निमंत्रण के भी राम भक्त के रूप में कोई भी श्री राम मंदिर में दर्शन कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक राजनीतिक संकट बनकर उभर सकता है। अयोध्या में हुए श्री राम महापर्व के कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद थे और इसी कार्यक्रम में ही चंपत राय ने विस्तार से बताया कि श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण किसे दिया गया है और किसे नहीं दिया गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आधिकारिक निमंत्रण पर क्या कहना है चंपत राय का, आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम ले चलेंगे अयोध्या। आखिर अयोध्या में इस वक्त क्या चल रहा है? जब अयोध्या अपने सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष का महोत्सव मनाने जा रही है, इस वक्त अयोध्या के अंदर एक बड़ी यात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या की इस यात्रा का नेतृत्व अयोध्या के बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता कर रहे थे और इस यात्रा के माध्यम से समस्त अयोध्या वासियों को श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पल को पूरे देश के लिए बहुत गौरव का पल कहा है। हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला
दीनदयाला कौशल्या हितकारी। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में मिले बहुत तगड़ी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर चिंतन और मंथन शुरू हो चुका है। इस वक्त भारत की राजनीतिक स्थिति यह है कि कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टिकरण की जबरदस्त पराजय हुई है और बीजेपी के हिंदुत्व की बड़ी जीत हुई है। राजनीतिक दलों को इतना ही कहूंगा, शांत रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उनकी आलोचना का कोई असर नहीं है, चुप रहेंगे तो शायद नाम आ जाएगा। नाम आ सकता है मतलब? चुप रहोगे तो आएगा, बोलते ही रहोगे तो बोलते रहो। कांग्रेस को एक बार फिर 2014 की करारी हार के बाद बनी एंटनी कमेटी की रिपोर्ट बार बार याद आ रही होगी, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की छवि उसको लेकर डूब गई। कांग्रेस पार्टी की छवि एक हिंदू विरोधी पार्टी की बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने पार्टी को इस मुसीबत से निकालने के लिए और अपनी छवि को बदलने के लिए प्रयास नहीं किया। राहुल गांधी ने खुद को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताया। राहुल गांधी ने जनेऊ धारण किया। राहुल गांधी ने देश के तमाम मठ मंदिरों में पूजा अर्चना भी की, लेकिन राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस पार्टी आज भी असमंजस में फंस जाती है। राम मंदिर सिर्फ आस्था का मुद्दा नहीं है, राम मंदिर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक विचारधारा का भी प्रश्न है, लेकिन बीजेपी और संघ के लिए राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। ये 5 वर्ष के बालक का चित्र है, राम लला मंदिर है, चाइल्ड राम, इन्फेंट राम, तो 5 वर्ष के बालक की कल्पना की गई है। 5 वर्ष के बालक की आंखें कैसी, कपोल कैसे, मुस्कान कैसी, शरीर की रचना कैसी, इसकी कल्पना की गई है। पत्थर की खड़ी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, खड़ी मूर्ति। अगर पैर की उंगली से नापा जाए तो ललाट 51 इंच पर होगा, भाई इतना ही फिक्स किया है। ललाट के ऊपर सर का टॉप, फिर आभा मंडल, ये अलग है। 3 मूर्तिकार 3 अलग अलग पत्थरों पर भगवान का चेहरा उकेर रहे हैं। अब कौन 5 वर्ष के बालक की सुकोमलता को ठीक से निहार पाएगा? भगवान किसका हाथ स्वीकार करेंगे ये 15 दिन में तय कर लेंगे। मूर्तियां तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा या नहीं। इस सवाल का जवाब तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के पास है। ये वही चंपत राय जी हैं जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा भी की थी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की थी। मंदिर की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विपक्ष के नेताओं के निमंत्रण पर सवाल पूछा गया तो चंपत राय ने देश को याद दिलाया कि ये वही पार्टियां हैं जो श्री राम के अस्तित्व को नहीं मान रही थी। चंपत जी, आपकी इजाजत से एक सवाल पूछ रहा हूं। नाराजगी विपक्ष में भी है, वो कह रहे हैं राम सबके हैं तो उनको न्योता क्यों नहीं? खासकर कांग्रेस या विपक्ष का कहना है कि एक तो प्रधानमंत्री का होना, एक धार्मिक अनुष्ठान में सेक्युलर राष्ट्र में किसी देश के प्रधानमंत्री का होना वो गलत, नंबर एक। नंबर दो, जब राम सबके हैं तो विपक्ष को न्योता क्यों नहीं? ये 2 मुख्य सवाल चंपत जी। देखो भाई, राजनीतिक लोगों की आलोचना को हम सदैव सुनते ही रहते हैं और हिंदुस्तान को भी सुनते ही रहना चाहिए। आज कुछ बोलना और कल कुछ बोलना, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, एक समय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। राम सेतु मामले में कभी भी दिया, राम का तो अस्तित्व ही कोई नहीं है, उसको उन्होंने मिथ कह दिया था। मिथ कहते हैं कल्पना को। तो ये तो बात छोड़ो, लेकिन
अयोध्या फैजाबाद के स्तर पर सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों को हम जरूर बुलाएंगे। चंपत राय ने इस कार्यक्रम को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किस किस को बुलाया जाए, इसकी पूरी योजना और पूरी सूची तैयार की जा रही है। इस कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग को निमंत्रण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में 13 अखाड़ों के साधु सन्यासी आएंगे, 125 परंपराओं के संत महापुरुष आएंगे। देश के प्रत्येक जिले का कोई ना कोई साधु संत महापुरुष कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। करीब 4000 साधु कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में देश के खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, फिल्म जगत और रंगमंच के कलाकार, पुलिस अधिकारी, भारतीय सेना के वीरता पदक प्राप्त करने वाले सैनिक अधिकारी, दुनिया के कम 50 देशों के राजदूत या प्रतिनिधियों के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में वीर गति को प्राप्त होने वाले लोगों के पारिवारिक सदस्यों को भी बुलाया जाएगा। और राम जन्मभूमि के लिए पिछले 38 साल में जिनका शरीर चला गया, जिन्हें कोई जानता है, उनके परिवार का कोई व्यक्ति आए, मैं नाम लूंगा, जोधपुर ग्राम मथानिया सेठाराम माली, शायद 18-19 साल का नौजवान था, अयोध्या में दिगंबर अखाड़े के पास जोधपुर के प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा के साथ दोनों को गोली लगी थी। वो तो प्रोफेसर थे, ये तो बालक था, और इस बालक का बालक ही आज शायद 30-32 साल का है। हमारी कोशिश रहेगी उसके परिवार का कोई आए। लेकिन विपक्षी नेताओं का मुख्य प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी को लेकर है कि एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको एक धर्म विशेष के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी यही प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने उठाया था। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष आज भी नेहरू काल की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाया है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पहले ही दिया जा चुका है। हम प्रधानमंत्री जी की उस आयु को देख रहे हैं जब 1984 था। मैं कह चुका हूं कि हम 1984 से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें उनके जीवन का मिशन यह है, और विपक्ष का अगर एक भी दिखाई देगा कि जिसके जीवन का मिशन यही रहा है, उसका जरूर विचार करेंगे। कोई नाम तो बता दे। प्रभु श्री राम हिंदुओं के आराध्य हैं, उनके हृदय में बसते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन उनका जन्म अयोध्या में हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव में मंदिर निर्माण का असर जरूर पड़ेगा। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के साल 2024 में विपक्ष की राजनीति में एक अहम रोल निभाने वाले हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी शायद इसी धर्म संकट से जूझ रहे हैं कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर उनकी पार्टी का क्या रुख होना चाहिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरित मानस पर विवादित बयान देकर पार्टी को मुसीबत में डालते रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इन हालातों के बीच श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पार्टी को बेचैन कर सकता है। बीजेपी की बड़ी विजय के बाद देश के बदलते राजनीतिक माहौल में अब कांग्रेस और उसके साथियों को 2024 की सबसे बड़ी चुनौती से जूझना होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वोट और तुष्टिकरण का चक्रव्यूह है, दूसरी तरफ हिंदुओं का समर्थन पाने की चुनौती भी है।